गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम लोग जो है अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सप्लाई शुरू किया था और फंक्शन ऑफ सप्लाई कंप्लीट कर लिया था। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स। इसको देखिए, कराने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि सप्लाई इज जस्ट अपोजिट द लॉ ऑफ डिमांड। फर्क इतना है कि वहां पे प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा था और यहाँ पर प्राइस एंड सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज रिमेन सेम। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में, या कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग दी सप्लाई क्या क्या होते हैं। देखिए, प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, अब इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं क्या है। इजी है, देखिए वहां पे भी यही चीज था, प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, और यहाँ पर भी प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी है। पहला क्या है यहाँ पर, प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी क्या होगा, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी, और प्राइस के वाइस वर्सा। समझ में आया, वाइस वर्सा और सेट्रिस पैरेबस यहां भी अप्लाई होता है। और रेस्ट ऑफ द रिमेन थिंग्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट, अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। तो ये चीज आप लोग पहले जान लें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमिनेंट सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी ऑफ प्राइस इज एज अ जनरल रूल, द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड इट्स सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड ईच अदर। ठीक है, अब यहीं पर हम इसका डिमांड शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व भी बना दे रहे हैं इंडिविजुअल का। अब यही चीज क्या है, हमारा प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाई है, ये 10 था तो ये भी 10 थी यूनिट, हमारी प्राइस बढ़ गई तो ये भी क्या हो गई, 20 हो गया। प्राइस हमारी 30 हो गई तो ये भी हमारा 30 हो गया। अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएं तो कैसे बनाएंगे, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी कहाँ रखेंगे, एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस है हमारा, और क्वांटिटी डिमांड हम लोग कहाँ रखेंगे, कौन है सप्लाई, सॉरी कौन सप्लाई, हम लोग वाई एक्सिस पे रखेंगे। ये हमारा ओरिजिन, प्राइस हमारी कितनी है 10, दूसरी है 20 और तीसरी है हमारी 30। ठीक है, इसे क्वांटिटी डिमांड 10, 20 और 30। अब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी सप्लाई भी 10 थी, प्राइस 20 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाई भी 20 हो गई, प्राइस 30 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाई भी 30 हो गई। तो हमारा डिमांड कर थोड़ा सा अप्लाई कर क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये कैसा शो हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग किस वजह से, ड्यू टू डायरेक्ट डायरेक्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ये होता है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, बट अदर थिंग इज रिमेन्ड कॉन्स्टेंट। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, दस रिलेशन एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ डिमांड, ये एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किया गया है लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू। लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है कि अगर आपका सप्लाई प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई का बढ़ना
और वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट, बट लेटरस पैरेबल्स हैज बीन अप्लाई, अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, सप्लाई में तो कई चीज़ें, कई फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन अगर हम लोग लॉ बनाना है, अगर इसे लॉ कहा जाए या रूल कहा जाए, तो कहा कि अगर सब कुछ अदर फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट मान लिया जाए, तो सिर्फ प्राइस से जो इफेक्ट होता है पर सप्लाई पर, वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्राइस ऑफ इनपुट। अब ये भी देखिए, ध्यान रखना कि अगर इनपुट का मतलब होता है रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस, मतलब जो हम लोग परचेज करते हैं, वो कॉस्टली है, वो हाई है, तो हमारा इससे इफेक्ट क्या आएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से हमारी सप्लाई क्या होगी, कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो यही बात देखिए, इफ द प्राइस ऑफ ऑल और एनी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट इंक्रीज है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन ऑल्सो भी इंक्रीजेस। अब देखो, यहाँ पे रॉ मटेरियल की जगह इन्होंने जो कहा है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्या चीज है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आते हैं वो पता ही है, हमने पढ़ा था बचपन में, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रन्योर। तो ये चारों चीजों के कॉस्ट अगर बढ़ गई तो हमारा प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस की वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अब ए स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, तो नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो अगर देखिए, एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कर देगा, वो कम कर देगा। जब हम लोग एडवांस क्या करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग यूज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम हो जाने पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। और प्रॉफिट जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जब प्रॉफिट हमारा बढ़ता है तो हम लोग इन कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा, हमारा सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। तो एडवांस टेक्नोलॉजी से इंक्रीज होने से ये सारे होते हैं, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज ना करें तो क्या होगा, तो इसका अपोजिट सर आएगा। ठीक है, कॉस्ट प्रोडक्शन हाई हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी। यही इफेक्ट आएगा कब, हमारा इसके अपोजिट जब कर देंगे, जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे। तो ये भी हमारा पॉइंट हो गया। और कौन सा होता है, टैक्स एंड सब्सिडीज। ठीक है, ये भी हमने ऑलरेडी कवर किया था लास्ट लेक्चर में, गवर्नमेंट की टैक्स सब्सिडीज होगी तो उसके वजह से भी हमारा सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा। अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या है हमारा, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल्स होगा, ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा ज़्यादा, मतलब कि ऑर्डर बेस पे ही सप्लाई करेंगे, तो सप्लाई कम हो जाएगा, और हमारा कस्टमर ओरिएंटेड रहे तो कस्टमर के अकॉर्डिंग हम लोग कम दाम में और सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम लोग सप्लाई करेंगे, तो इस केस में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा।
तो यही होता है यहाँ पर, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज ओनली बाय द हाई प्राइस इफ फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर हमारा मकसद है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाई प्राइस रखना पड़ेगा। सम प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई मोर एंड मोर इवन एट दोज प्राइस विच डू नॉट मैक्सिमम देयर प्रॉफिट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच फर्म मे बी मैक्सिमम सेल। अब यहाँ भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा तो मैक्सिमम सेल होगा, और मैक्सिमम सेल जाहिर सी बात है कि कस्टमर के अकॉर्डिंग ही हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन करेंगे, प्राइस मैकेनिज्म डिटरमाइन होगा। तो ये सब रीज़न है हमारे इसके। एंड कैप्चर अ लार्ज शेयर ऑफ मार्केट, और इससे क्या होगा, लार्ज शेयर ऑफ मार्केट हम लोग इजिली कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब आ जाओ किस पे, डिटरमाइन मार्केट सप्लाई। अब मार्केट सप्लाई यहाँ पे क्या था, द ऑल द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, जो भी मार्केट सप्लाई इन्फ्लुएंस करता है, किसको मार्केट सप्लाई कौन इन्फ्लुएंस करेगा, जितने भी फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई हैं वो हमारे मार्केट सप्लाई को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, अफेक्ट बाय द, अब ये कैसे कैसे इफेक्ट होता है, नंबर ऑफ द फर्म्स। अब ये लार्ज नंबर ऑफ द फर्म्स अगर अफेक्टेड हैं तो भाई जाहिर सी बात है मार्केट सप्लाई अफेक्टेड हो जाएगी। द नंबर ऑफ फर्म इंडस्ट्री इंक्रीजेज, सब मार्केट सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग देयर कॉमोडिटी। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, कोई इतना बहुत हार्ड बोर्ड रूल नहीं है। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सेटरस पैरेबस अप्लाई करता है, और लॉ डिमांड के चैप्टर में भी इसको एक बार देख लेना कि क्या समझाया तुमने। थिंक वही रूल है, बस अपोजिट हो जाएगा, और कोई चीज में फॉरवर्ड हार्ड फॉरवर्ड रूल नहीं है। ठीक है, अजम्पशन ऑफ लॉ सप्लाई क्या है, अब यहाँ अजम्पशन माना गया सेटरस पैरेबस अप्लाई होता है। अगर मान लीजिए तुमने बताया था कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी और सेटरस पैरेबस का अप्लाई होगा, सेटरस पैरेबस जो होता है अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट कहलाता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, कीप द अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, इसी को सेटरस पैरेबस कहते हैं। वी एज्यूम द फॉलोइंग, द प्राइस ऑफ द गुड रिमेन कॉन्स्टेंट होना चाहिए। प्राइस क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होगी, ये माना जाएगा अदर गुड्स की, मतलब सब्स्टिट्यूट की या कॉम्प्लीमेंट्री की जो प्राइस होगी वो हमारी क्या होगी, कॉन्स्टेंट मानी जाएगी। डायरेक्ट पर्टिकुलर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, अदर गुड्स की बात कर रहा है। ठीक है, देर इज अ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं भैया वही यूज़ करते रहिए, चरखा चलाते थे हम लोग पहले कपड़ा बनाने के लिए, आज भी चरखा चलाइए, आप लोग कोई चेंजेस मत कीजिए। इनका कहना है लॉ अप्लाई को अप्लाई करने के लिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल रियल में है ही नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, हमको पढ़ने से मतलब भाई, हम लोग फालतू चीज़ हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम, ओ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं ना, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, उनके भी प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। मतलब लेबर जब शुरुआत में, जब हमारे बाप दादा के वक्त में वो 1 रुपए दहाड़ी लेता था, तो आज भी 1 ही रुपए दहाड़ी ले और वो उनकी इसकी इनकम चेंज ना हो, ठीक है, उसकी डिमांड चेंज ना हो। अब ये इसका असर तो पॉपुलेशन भी पड़ा होगा, तो यहाँ भी अगले पे कह दिया गया नो चेंज इन पॉपुलेशन भी एक इफेक्ट आ गया। ठीक है, नो चेंजेस इन द टैक्सेशन, अच्छा तो भाई सब्सिडी और टैक्सेशन में भी कोई चेंजेस ना हो, वही इक्का गाड़ी चलाते रहो जिंदगी भर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। इनका कहना है अगर लॉ ऑफ सप्लाई को अगर आपको रियल में अप्लाई करना है तो ये चीज़ को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, और ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, पर हमें तो पढ़ना है भाई। ठीक, गोल ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन द सेम, ओहो गोल भी भैया सेम हो, पहले ट्रेडिशनल सोच क्या थी, नो प्रमोशन, माल को लाओ मार्केट में रखो अपने आप बिक जाएगा। लेकिन आज मॉडर्न कंसेप्ट क्या है कि सेल्स को इंक्रीज करने के लिए सेल्स प्रमोशन P7 का एप्लीकेशन करना पड़ता है मार्केट में, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये करना बेकार है, फजूल है भाई, फजूल है। रीजन फॉर लॉ सप्लाई, प्रोड्यूसर्स वाइल सप्लाइंग अकोमोडिटी एम टू मैक्सिमम प्रॉफिट,
मैक्सिमम सप्लाई का ही प्रॉफिट का मकसद होता है. व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस विदाउट एनी चेंज इन द कॉस्ट, इट रेज देयर प्रॉफिट. अगर कॉस्ट में कोई चेंजेस ना हो और प्राइस बढ़ा दिया जाए तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देगा, जाहिर सी बात है. एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर वुड बी विलिंग टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी. और इसीलिए प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी को इंक्रीज करता है. ठीक है, तो आपको रीजन समझ में आया. बहुत इजी वर्ड में लिखा हुआ है, सिंपल मैंने इसको लिखा है, और इसमें कोई ऐसे हार्ड फॉरवर्ड विकैबलरी या रॉकेट साइंस नहीं है जिसको समझा ना जा सके. कोई बच्चा ऐसे पढ़ के समझ सकता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. ऑन द अदर हैंड वाइल फॉल इन द प्राइस सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस एज अ प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीजेस फॉर द प्रोड्यूसर्स. ठीक है, वही ऊपर का अपोजिट नीचे लिख दिया मैंने. ठीक है, अगर प्राइस का फॉल होता है तो भाई प्रॉफिट मार्जिन का फॉल होता है, और प्रॉफिट मार्जिन का फॉल होगा तो जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर की भी ये जो प्रोडक्शन मार्जिन होगा वो फॉल हो जाएगा, सप्लाई ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती. ये एक रीज़न है लॉ ऑफ सप्लाई का. इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लें, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, मैं भी पूछ सकता हूँ इस बात को. ठीक है, अब आ जाओ कि सप्लाई शेड्यूल्स जो हमने ऑलरेडी कर लिया था मार्केट डिमांड में, और चलिए एक बार दिखा भी देते हैं. अब देखिए ये है हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्राइस है और कॉमोडिटी एक्स है. जब प्राइस 1, 2, 3, 4, 5 है तो कॉमोडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. ठीक है, अब यहाँ पे कैसा रिलेशन हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है. और डायरेक्ट रिलेशन का रीज़न अभी हम लोग ने पढ़ा कि रीज़न क्या था, लॉ ऑफ सप्लाई का, द प्रोड्यूसर विल सप्लाई अ कॉमोडिटी एम टू मैक्सिमम प्रॉफिट. पहली चीज़ को आप लोग दिमाग में बैठा लें कि एम क्या होता है. मैक्सिमम प्रॉफिट का एम होता है प्रोड्यूसर का, और मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है, मैक्सिमम सेल एट मैक्सिमम प्राइस. ठीक, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमम सेल इनटू मैक्सिमम प्राइस इज इक्वल टू मैक्सिमम प्रॉफिट. तो व्हेन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीजेस विदाउट एनी चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को चेंजेस नहीं है और प्राइस मैंने बढ़ा दिया, मतलब कि मेरा प्रोडक्ट आज भी, पहले हमारा प्रोडक्ट 100 रुपये का बनता था जिसकी कॉस्ट प्राइस थी, और उसमें प्रॉफिट हम जोड़ते थे 20 रुपीस, ये प्रॉफिट जोड़ते थे, और उसको मार्केट में जो मार्केट प्राइस थी उसको सेल करते थे किस पे, इसको हम सेल करते थे किस पे, 120 रुपीस पे. अब मैंने क्या किया कि भाई कुछ नहीं किया, ये 100 रुपये का ही बन रहा था और इसको मैंने 30 रुपये कर दिया, तो अब मैं माल कितने बेच रहा हूँ, 130 का बेच रहा हूँ. ठीक है, तो अब ये प्रॉफिट को बढ़ाएगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मेरी सप्लाई भी बढ़ेगी. प्रॉफिट बढ़ने का सप्लाई कैसे बढ़ेगी, सब प्रॉफिट होगा तो पैसे को हम बिजनेस में दोबारा लगाएंगे, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ऑटोमेटिक सप्लाई ही बढ़ेगी, और क्या होगा. ठीक है, तो इट राइज द प्रॉफिट, एज अ रिजल्ट द प्रोड्यूसर वुड बी विलिंग टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी. तो दैट्स वाई द इंडिविजुअल सप्लाई का प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है. ठीक है, ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने बताया था. ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारा नीचे, मार्केट सप्लाई क्या होता है. मार्केट सप्लाई शेड्यूल्स शेड्यूल इज अ टेबल शो द वेरियस क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर. यहाँ पे देखिए ऑल द प्रोड्यूसर, बस यही कीवर्ड है. इंडिविजुअल में क्या था कि वन प्रोड्यूसर था, यहाँ पे ऑल द प्रोड्यूसर्स आर टेकन टुगेदर आर विलिंग, क्या करें, विलिंग और एबल टू सेल. ठीक है, एट अ डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड द मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड में सिर्फ इंडिविजुअल का और उसका फर्क होता है, किसका,
हाँ, नंबर ऑफ फर्म का देखिए सर, यह चीज है कि एक फर्म है, दूसरी फर्म है, तीसरी फर्म है, चौथी फर्म है, ये फर्म है, तो ये एक सिंगल की बात करें तो इंडिविजुअल हो गया, और ये ग्रुप की बात करें तो ये मार्केट हो गया, ठीक है, ये इसी को इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री भी कहेंगे से, तो ग्रुप ऑफ फर्म बिकम इंडस्ट्रीज, और ग्रुप ऑफ सप्लायर, अगर हम इसी जगह सप्लायर लिख दें तो वो क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लायर बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए मार्केट सप्लाई क्या है हमारा, एक एक कॉमोडिटी है, एक कॉमोडिटी बी है, ठीक है, दो इंडिविजुअल्स हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी, ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने प्राइस पढ़ा, सप्लाई इनकी क्या हुई है, बढ़ गई है, प्राइस के बढ़ने सप्लाई इनकी बढ़ी है, और इनकी भी सप्लाई बढ़ गई है, मतलब ये ज़्यादा रिच थे, ये ज़्यादा कम थे, लेकिन सप्लाई दोनों की बढ़ी है, जो प्राइस के बढ़ने सप्लाई बढ़ती है, ये मानना होता है प्रोड्यूसर का, और उसका रीजन ऑलरेडी दे चुके हैं। जब हम लोग ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है मार्केट सप्लाई, तो 15, 30, 40 और 55 और 65। सेम लेक्चर मैंने लॉ ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन किया बहुत प्रॉपरली, ठीक है, और उसमें आप जाके देख सकते हैं, वही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है, बस दिमाग की जगह सप्लाई वर्ड आपको लिखने हैं, ठीक है, तो दिमाग ज़्यादा ना लगाएं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क प्लीज ना करें, ठीक है, और ना ही करवाएं। थैंक यू क्लास।